हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। और सामने है हमारे ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज की वीडियो में हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं और सारा कुछ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जल्दी से इनवाइट करते हैं इसके ओनर को। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आइए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, क्या करते हैं आप और क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अजय है और मेरा मोबाइल चैन इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। ओके, तो सर ये आपने स्कूटर अभी कितने दिन हो गए लेते हुए? ये अभी इसको 15-20 दिन हो गए। इसको 15-20 दिन हो चुके, मार्च के अंदर लिया था ये। और कितने का पड़ा था आपको ये? ये 1,24,000 का है। ओके, तो आज के अंदर आईटीओ भी सब इंक्लूड होता है। ओके, कंप्लीट आपको कितना पड़ा है? 1,00,000? 1,24,000 का। 24,000 का यहाँ पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट। हाँ। और कुछ एक्स्ट्रा आपने इसमें लगवाया या फिर सारी जो चीजें एसेसरी? नहीं, इसके साथ ये स्कूटर और ये साइड स्टैंड आता है, बाकी मेन स्टैंड और ये बैक एसेसरी वगैरह, ये फुट बैक रेस्ट वगैरह सारा अलग से लगवाया। ओके, ये स्कूटर ही आपने क्यों चुना? और जो अभी आप अगर जब लेने गए होंगे मार्केट में तो कुछ और भी आपने देखे होंगे, तो ओला पर कैसे स्टिक रही? बाकी के स्कूटर के मैंने टेस्ट ड्राइव भी लेके देखी, फीचर्स वगैरह भी देखे। हालांकि फीचर्स में तो सबसे टॉप पे ही है, बाकी इसकी जो बैटरी बैकअप वगैरह है, जैसे एक तरह से अपन एक एक्टिवा 125cc चलाते हैं, ओला चलाते हैं S1, जी सेम ही फीचर है इसके अंदर, मतलब बैकअप पिकअप वगैरह भी अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। तो इसमें लगभग 58 Nm का टॉर्क मिल जाता है और बूट स्पेस इसमें भी काफी अच्छा है, वो अभी हम चेक करेंगे। बाकी फ्रंट में इसमें सिंगल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जैसा कि देखिए, इस वजह से इसमें शुरू में शिकायत आई थी कि कहीं ये टूट जाता है बीच में से। अब वो ऐसा नहीं है कि चलते चलते टूट जाता हो, नहीं, क्योंकि इंडियन कंडीशन में जो रोड है वो थोड़ी हमारी रफ रहती है, और जैसा कि इसका जो डिजाइन किया है वो बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो उन्होंने उस हिसाब से डिजाइन किया था। बाकी रियर में इसमें मोनोशॉक हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन दिया जाता है रियर वाला, जिस वजह से इसका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अदर स्कूटर से। तो सर एक बार इसके फीचर्स एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स को, इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे बढ़िया तो बात है कि इतनी बड़ी सी इसमें स्क्रीन मिल जाती है, डिजिटल है सारा कुछ, है ना? एक बार इसको सर ऑन करिए। इसको ये इसका है ऑन ऑफ का बटन है, इसको सिंगल प्रेस करने पे ये ऑन हो जाता है, जिसमें अपना पैटर्न वगैरह या जो भी पिन अपन सेट करके रखते हैं उसके थ्रू ही खुलता है फिर ये। तो अभी आप इसमें की वगैरह की जरूरत नहीं होती। जी, अभी इसमें पिन आ रहा है और की का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, की का कोई ऑप्शन नहीं इसके अंदर। इसके साथ इसमें ये दो स्पीकर आते हैं इसमें। हाँ, म्यूजिक प्ले सिस्टम भी रहेगा और ये चार्जिंग सॉकेट, ये चार्जिंग पॉइंट है 12 वोल्ट का, और यहाँ पर एक कैरी हुक मिल जाती है। देखिए काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रहती है, कलर काफ़ी शार्प है, अभी डे लाइट कंडीशन में प्रॉपर धूप है अभी, जिस वजह से थोड़ी सी स्क्रीन की लाइट आपको कम लग रही होगी। तो सर एक बार फीचर दिखाइए इसमें, ये रहे ब्राइटनेस के, डार्क मोड भी है इसमें, बाकी ब्राइटनेस लेवल यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। और टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है इसका, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें, वाईफाई है, साउंड सिस्टम है। मीडिया साउंड चेक करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ रील्स मिल जाएगी। और ये रही इसकी लाइट, मतलब हेडलैम्प सेटअप, पार्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा देता है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखिए LED हेडलैम्प मिल जाते हैं और रियर में भी LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी शार्प थ्रो है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त विजिबिलिटी रहेगी, डे लाइट कंडीशन हो या नाइट हो, और अगर इसको दिन में भी आप चला के ले जा रहे हैं तो प्रॉपर विजिबिलिटी रहती है। और अगर टेल लैम्प का थ्रू देखें तो वो भी LED है और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है। ये इसके अंदर के 3 मोड्स आते हैं। ओके, इको मोड, नॉर्मल मोड और एक स्पोर्ट्स मोड। तो ये क्या, इसको बटन को प्रेस करने से, अभी जब ये रनिंग मोड में रहेगी तब ये बटन प्रेस करने से अपन इको मोड में चला गए या नॉर्मल मोड में, ये अपने को जल्दी पहुँचना तो स्पोर्ट्स मोड में चला के 90-120 की स्पीड आसानी से कवर कर लेती है। 90-120। ओके, बाकी इधर साइड क्या क्या कंट्रोल दिए जा रहे हैं? ये इसके हेडलाइट का ऑप्शन है, ये इसके अंदर रिवर्स पार्क, ये रिवर्स का भी ऑप्शन है इसके अंदर। बाकी ये दोनों इंडिकेटर का है, ये हॉर्न का है। हॉर्न एक बार चेक कराइए, हॉर्न भी काफी लाउड है इसका। तो एक सिंगल चार्ज में ये कितना किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं आप? ये सिंगल चार्ज में अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं अपन इसको जी, तो उसके अंदर ये 60-70 का देते इसके अंदर बैकअप, और नॉर्मल मोड के अंदर 80-90 और इको के अंदर 120। और फुल चार्ज कितने टाइम में हो जाती है? 4-4.5 घंटे लगते हैं इसको। 4.5 घंटे है ना। सो एक बार बूट स्पेस दिखाइए आप इसमें कितना है। ये इसका बूट स्पेस, ये ऐसा ओपन होता है इसका। ओके,
ये इसमें देखिए मैकेनिकल साउंड भी है, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है 36 लीटर का। बाकी ये इसका चार्जर, इसे आप आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाता है। अब ये बूट स्पेस किसी और अगर स्कूटर से कंपेयर करें, एक्टिवा से कंपेयर करें, या किसी भी अदर स्कूटर से कंपेयर कर लें तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है इसके। और चार्जिंग सॉकेट कहाँ रहने वाला है इसका? इसमें चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पे है, तो इसे एक बार प्रेस करिए और ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सर ये बताइए आपको इसमें सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा आपको? ये किस चीज़ का सायरन है? ये इंडिकेटर का। अच्छा, जब भी इंडिकेटर देंगे तो ये साउंड। हाँ, ये इसमें अभी नई गाड़ी आ रही है बड़ी बड़ी जो 120 110 सीसी की, उनमें इंडिकेटर का ही साउंड नहीं रहता है। हाँ हाँ, इसका बेस्ट फीचर आपको क्या लगता है इस स्कूटर में? इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी रनिंग जो इसका किलोमीटर वगैरह है, बैकअप वगैरह, वो अच्छा है इसका जी। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसके अंदर जो ये साइड स्टैंड दे रखा है, इसके अंदर थोड़ा ऐसा लगता है देखने में भी, वैसे है भी सही है कि थोड़ा प्लास्टिक टाइप में लगता है। ओके, एक्चुअली अपन कहीं पर खड़ी करके चल जाओ, बाई चांस कोई आके गाड़ी पे कोई टल्ला वल्ला लग जाओ या कोई बैठ जाओ गाड़ी पे आके, तो वो टूटने करने का रिस्क रहता है थोड़ा इसका। ओके, तो वैसे स्कूटर का ओवरऑल डिजाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, स्टाइलिश लगता है ना। ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता है? हाँ, ये ऑटोमेटिक 15 से 20 सेकंड के अंदर अगर अपन इसको यूज़ में नहीं लेता है तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, हैंडल लॉक भी इसका ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप अगर भूल भी जाते हैं कहीं पार्किंग वार्किंग में लगा के तो ऑटोमेटिक ये हैंडल लॉक कर देगा। और कोई नेगेटिव पॉइंट जो इसका है? इसके साथ कंपनी अपने को साइड स्टैंड तो दे रही है बट मेन स्टैंड नहीं दे रही है, मेन स्टैंड प्रोवाइड नहीं कराता। हाँ, मेन स्टैंड और वो लोहे का वो अलग से अपन अगर कंपनी से लगवाते हैं तो आई थिंक 2000 कुछ का आता वो। जी जी, और बाहर मार्केट से भी 1000 के आसपास ही आता है, 1500 के आसपास। ओके, एक इसमें ये दिक्कत और है कि ये चार्जिंग का ये पॉइंट है, ये इसका ढक्कन ऐसा करके ये ओपन हो जाता है, बाई चांस अगर कोई अपन कहीं पे बाहर जाओ और कोई खोल के चल जाओ इसको, तो कोई बरसात बरसात का पानी इसमें चल जाओ कर जाओ तो उसका रिस्क रहता है थोड़ा, कोई कचरा वचरा भी चल जाओ तो अपने को आइडिया नहीं होता क्या है क्या नहीं है। ओके, तो इसका एक कंपनी को यहाँ से दे देना चाहिए था कहीं बटन वगैरह, जैसे इसमें डिग्गी का यहाँ पे डिस्प्ले में ऑप्शन दे रखा है ओपन करने का, वैसे ही आप इसका भी देना चाहिए था कंपनी को। ठीक है, वैसा देना चाहिए था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि दोनों तरफ ही डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और अलॉयज मिल जाते हैं इसमें हमें 12 इंच के लगभग। ये देखिए टायर सेक्शन 110/17 का दिया जा रहा है। कैसा है ब्रेकिंग एक्सपीरियंस इसका? ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, इसके क्या एक्चुअली दोनों टायर भी वाइड है चौड़े है, तो अपन चलाओ कोई खराब रोड के अंदर तो जैसे स्लिप होने वगैरह का ऐसा डर नहीं रहता इसके अंदर। ओके, फ्रंट पैनल देखिए स्कूटर का एक बार, फ्रंट से लुक कितना रोबोटिक निकल के आता है, अगर इसके हेडलैम्प पे नज़र डाले तो बहुत ही रोबोटिक लुक निकल के आ रहा है। और यहाँ पर DRL भी प्रोवाइड करा है, DRL एक बार ऑन करिए जरा, तो जैसे ही अनलॉक करते एक साउंड सा आएगा इसमें, ये देखिए एक बार ऑन करके दिखाइए, ये देखिए काफ़ी साफ थ्रो है इनका भी, और एकदम आइस वर्बेलियन कलर जो रहता है उस तरीके की इसकी LED DRL जलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सर इसमें कोई ऐप कनेक्टिविटी का भी फीचर है क्या? हाँ, इसके अंदर ये ओला की ऐप ही है, ऐप भी है जिसके थ्रू अपन इसको स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये फीचर्स बताता है इसके अंदर डिस्प्ले के भी कितना परसेंट बैटरी चार्ज है, कितना किलोमीटर चल जाएगा, और इसमें ये ऑप्शन भी बता रहा है कि ये 50% चार्ज इको में इतना किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल में इतना और स्पोर्ट्स मोड में इतना किलोमीटर चलेगी। ओके, और उसके बाद ये डायरेक्ट लॉक अनलॉक यहाँ से भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि अपन किसी को अपना पिन नहीं बताना चाहते तो अपन अपने फ़ोन से डायरेक्ट लॉक अनलॉक करके इसको चला सकते हैं, बाकी अपन किसी के सामने लॉक नहीं डाल के अपन अपनी डिग्गी खोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिग्गी भी ऐसे ओपन हो जाती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ इसके ऐप में मिल जाती है? इसमें ऐप में मिल जाती है फीचर्स इसमें, तो ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर है कि ऐप कनेक्टिविटी भी मिल रही है हमें। तो सर अगर आप इस स्कूटर को नहीं लेते तो कौन सा स्कूटर आपके जहन में था कि आप ये अवेलेबल नहीं होता तो वो ले लेते? नहीं, एक्चुअली फिर तो मैं पेट्रोल में ही जाता, फिर पेट्रोल में अगर इलेक्ट्रिक का अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो जी, क्योंकि 1-1.5 साल से देख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत सारे वेरिएंट और बहुत सारी कंपनियां नई नई भी आ रही है, कुछ पुरानी कंपनियां भी है जो भी इस मैदान में आ गई, पर अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो मैं फिर पेट्रोल में जाता मेरा ऑप्शन फिर। और इलेक्ट्रिक के अंदर मेरे को ये स्कूटर ही अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स भी अच्छे हैं और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, बैटरी वगैरह को पिकअप को लेके पिकअप वगैरह, हाँ, दो सवारी तीन सवारी पे अपन इजीली कैरी कर लेती है ये। आपने अभी तक इस पे कितने लोगों को बिठा के चला है? वैसे तो दो ही अलाउड है लेकिन अभी आपने अपने अगर बॉयज के अकॉर्डिंग तो अपन तीन जने आराम से बैठ सकते हैं इस पे, बाकी लेडीज वगैरह तो दो ही सवारी का है। सीट भी इसकी काफी अच्छी है, ये देखिए काफ़ी चौड़ी है तो वाइड है, और कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर कोई कस्टमर है
और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक लेना चाह रहा है तो उसे आप कौन सी रिकमेंड करना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक देखो बाइक का तो ऑप्शन बहुत सारा आ गया अभी, बाइक में अभी जो हीरो वगैरह के ये वाली टीवीएस वगैरह की भी बाइक्स आ गई, और अगर स्कूटर में लेना चाहो तो फिर ओला ही प्रेफर करूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने अभी रिसेंटली मेरे 2 दिन बाद ही उसने भी यही बुक कराया अभी। अच्छा, उसने भी ओला ले लिया? उसने भी ओला ही ले ली। तो ये आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया या फिर शोरूम से जाके ऑर्डर करवाया? नहीं, एक्चुअली इसका प्रोसेस होता ऑनलाइन ही है। बस वो एक अपने को वापस शोरूम पे जाके वो जैसे बताते हैं उस अकॉर्डिंग अपने को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वही क्लियरली बता पाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि इसमें क्या एक इसमें ही आ रहा है ये ऑप्शन कि इसमें नंबर प्लेट पहले आती है, फिर उसके साथ ही अपने को स्कूटर डिलीवर होता है। अच्छा अच्छा, मतलब नंबर प्लेट के लिए आपको अपने को ITU नहीं जाना पड़ता? जी जी। बाकी स्कूटर में क्या होता है कि पहले RC आती है, फिर उसको अपने को नंबर प्लेट के लिए घूमना फिरना पड़ता है शोरूम के लिए। इसमें पहले नंबर आता है, फिर नंबर प्लेट लग के, फिर ये डायरेक्ट अपने को नंबर प्लेट के साथ डिलीवर होती है। चलिए, ये भी सही है। इसके बाद में इसका कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट अपने को स्कीम भी दे रही है 10,000 सब्सिडी का। चलिए, काफ़ी फायदे मिल जाते हैं ओला स्कूटर लेने के। और इसकी जो बैटरी है उसका मेंटेनेंस का क्या बताया कंपनी ने, क्या रहेगा? बैटरी का मेंटेनेंस का 5 साल की वारंटी बताई है। 5 साल की वारंटी है? हाँ। ओके, उसके बाद से चेंज वेंज का कुछ सेटअप है? नहीं, अगर कोई दिक्कत आती है तो वारंटी के अंदर वो उसका सॉल्यूशन करते हैं, बाकी तो 5 साल के बाद तो अभी तो कंफर्म नहीं है कि क्या रेट्स आएगी क्या रेट्स नहीं आएगी। तो ये जैसे ही हम मोड चेंज करते हैं इसमें जो एनिमेशन आता है और डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ भी आती है इसमें, ये इसकी थीम वगैरह आती है जैसे ये बोल्ट वगैरह है ऐसी वॉइस वगैरह आती है, फिर अपन चलाते हैं। बाकी इसमें कॉल वॉल की भी नोटिफिकेशन आते हैं प्रॉपर? बात बात भी हो जाती है? हाँ, बात बात भी हो जाती है। इसमें ये माइक लगे हुए आगे दो। अच्छा, ये? हाँ। और जैसे आपको इसका साउंड म्यूट करना हो तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ है ना, ये जैसे अपने को भाई किसी की हैबिट होती है साइलेंट स्कूटर नहीं चलाना आता उनको, हाँ। तो ये इसको ऑन करके फिर वैसे ये ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन आता है इसके अंदर, जिसको साउंड को ऑफ करके अपन वैसे भी चला सकते हैं और ऑन करके भी चला सकते हैं। इसमें भीड़ वाले इलाके में जाओ तो पता चल जाएगा किसी को गाड़ी चल रही है। जी जी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक में आवाज़ नहीं आती ना, इसलिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और बाकी किसी स्कूटर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी में ही है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा स्कूटर को लेके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है इसके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी, और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।